मेरा कोई एक चीज बताएं जो आपको याद हो जो मैं बोलता हूँ। आप बोलते कश्मीर टीवी। 3 बजे ना टाइम है तो कोई होश नहीं। आधा जनाबे वाला साड़ियाँ पड्डो भी चुगन लगी हैं तकड़े और सो एक जगह बिल्कुल सामने तक हो जी हूँ बर्फ वाले क्लियर पहाड़ आई गए ना सामने तक। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद कर रहा सा सारे वालो सो मैं इरफान जफर तो सा तकी रहे हो कश्मीर टीवी। जनाबे वाला एक नवा दिन एक नवी सुबह ना आगाज अल्लाह पाक खैर करन आज साला सफर जड़ा है मुजफ्फराबाद वाली साइड है आज राती भी ऐसा ना कुछ सफर हो सी डेरी वाला मुजफ्फराबाद शहर चो गुजरने वास्ते ऐसा की रात ना टाइम चाहिए ना मैं और इस वजह थू किया कि दिहाड़ी बहुत ज्यादा रश होना तो फिर मारो पड्डो जड़िया ने रश फंसी जानिया ने तो अज तक फिर इतों इंशाला सफर ना आगाज करने तो बहुत ही खूबसूरत मंजर बैकग्राउंड तकने उस मस्तानी चुगी रही है इधर मैं ना मस्ताना वो दावे इसकी घोड़ो में वैसे आखना सा लेकिन इसका ना मस्ताना रखने मस्ताना तो मस्तानी क्या बात है जनाब तो चलो इंशाला सफर ना आगाज करने तो तको आई ना दिन आई ना सफर किस तरह ना रहना वे तको दरियाए जेलम जाई रहा और अगे पिछे कितने कितने बड़े पहाड़ हैं इसने एक गड़ी दुबट्टा वे जिस तरह के मैं पिछली वीडियो में दसिया बहुत ही खूबसूरत माशाला इसला मंजर है सफर शुरू करने से पहले मैं क्या कि मैं फौरन जरा ना कपड़े धोई के ना साबण के इतने कपड़े धोने ला मैं कौन आंदा शैंपू दी पूड़ियां माड़े कोल तो मैं क्या इन्होंने नाल ही आए कपड़िया की धोता जा इतना नाल तो कदे नहीं कपड़े धोते ये मैं कैसा नाम है नवा तजर्बा कर लावा शैंपू ने कपड़े धोने ला के शदीद गर्मी है इस एरिए ने विच अपर दा बड़ी सर्दी तक है मालियां पर इत्थे सा थोड़ा सफर करी गया था अपना डेरा लाइन दा क्या गया सा आज मुजफ्फराबाद शहर है की राती क्रॉस करना रात ना ज्यादा सारा सफर है इस वजह थू हुण असा इत्थे डेरा अपना लाया वे ते इत्थे कोई पकाने शकाने आ ओ सके दसने आ ते को हां बिल्कुल ऐसा तंबू जेड़ा लाया वे बिल्कुल सिरे ने अपर अगे दरिया ने कितना खूबसूरत मंजर है इसले जेड़ा जा ही रिया वे इसलिए मैं तो अली भाई जेड़े ना हांडी पकाई रहे हैं अली भाई आज क्या पक्षी जनाब वाला है आज पिंडी आज पिंडिया तो आलू पकी रहा जनाब लेकिन तक कितना खूबसूरत मंजर है तो यह नाल साड़े अगर दरिया ने मंजर पिछले तंबू साड़ा लगी गया सुबहान अल्लाह इतना हूँ दिहाड़ी नहीं असं रोटी खा सा तो फिर जेड़ा वा ना अगर मुजफ्फराबाद वाली साइड सफर कर सा साड़ा टुकड़ो आई गया वै तो लोतर भी साड़ी पक्की गया लोतर मतलब के हांडी साड़ी पक्की गई है इन्हें जबाना ने बेचता हूँ असं टुकड़ो खाण लिया तो फिर अगर तुसे दसने बाकी सफर जनाब इतनी ज्यादा जनाबे वाला सख्त गर्मी है ना कि उसे सोच ही नहीं हो सके थला गड़ू दुपट्टा मालियों पर तो बड़े मजे में रखा रहे हैं ना लेकिन हम बहुत ज्यादा सख्त गर्मी है एक सूट सवेला तो पैसे ट्रैक सूट एक जनाब वाला है तो हम काटन में धोन ला वा क्या गर्मी ने बेच ना मोटे कपड़े इतने नहीं लगी सकने इस वजह थू खाली जनाबे वाला आपे भी ना सा वो इस वजह थू कि बहुत ज्यादा गर्मी है लेकिन पानियन स्पीड भी तकने उस दरिया झेलम नहीं ये पिछू साढ़े मकबूजा कश्मीर चू अचना है जरा कि इंडिया कब्जा कित है साढ़े कश्मीर पर तो इसकी बड़ी ज्यादा इसका स्पीड है ये सारा पानी मुड़ी फिरी साढ़े घर दर उधर मंगला डैम दर जाना है अलहमदुल्ला खैर किया तो माशाला नहाई कहता लेकिन पानिया ने बहुत ज्यादा स्पीड है 100 भी तकी सकने हो और बहुत ही खतरनाक है कई पानिया जाना होंदिया बाकोल इतने ने कई बंद पाया वै लेकिन अल्लाह अल्लाह करी गया तो मैं भी नहाई कहता वै
ਕੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੁਣ ਜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਪਰ ਲਾ ਜਾਂ ਜਾਈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੁਆਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਰਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜਰਨੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਟੁਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆਵਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖੜੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਪਰ ਉਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਸੀ ਨਾ ਲੱਭ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਉਸੀ ਬਰਫ਼ ਉਸੀ ਕਿਆ ਉਸੀ ਬਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋਫਾਲ ਅਪਰੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਲੈ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖੜ ਸਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਗੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬੜੇ ਮਸਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤਾਂ ਤੱਕੜੇ ਉਸੋ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਉਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਵਾ ਪਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਨੀ ਚਾਚਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੁਦਰ ਗਈਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਧਰ ਗੁਜ਼ਾਰਸੋ ਗਰਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਧਰ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਉਧਰ ਰਹੇ ਸੋ ਤ੍ਰੈ ਮਹੀਨੇ ਅੱਲਾ ਮੁੜੀ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਦਸਵੇਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾੜਸੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿਣੇ ਹੋ ਕਲਰ ਸਹੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਵਾਪਸ ਜਿਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਮੁੜਨੇ ਕਲਰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਬੜ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਵੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਕਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਸ਼ਮਲਾ ਉਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪਰ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪਰ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਤਰੀਚ ਵੀ ਜੀ ਰਿਚ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰਵਾਲ ਕਬੀਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਦਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਬਸ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੂਟੀਆਂ ਕੁਦਰੂ ਪੱਟਣੇ ਹੋ ਉਧਰ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਧਰੂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰੂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਈ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਚਾ ਇਹ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਫਿਰ ਬੂਟੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਬੂਟੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਤੱਕੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਰੰਗ ਪਰੰਗੀ ਜੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਤੱਕੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਤਗੜੇ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਅਸਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਘਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚ ਮੁੱਟੀ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਮਿੱਕੀ ਵੀ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੀ ਨਾ ਲਾਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਲੋੜ ਕੋਈ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰੀ ਪਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈ ਬਸ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਨੀਲਮ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਜਿਲੇ ਪੈਣੇ ਨਾ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੁੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਚੁੰਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਾੜਿਆ ਚੁੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਚੁੰਗੀ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸੀ ਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਬੱਕਰੀ 100 ਰੁਪਏ ਬੱਕਰੀ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਇਹ ਖੱਚਰ 100 ਰੁਪਏ ਖੱਚਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੀ ਇੰਜਨ ਲੱਗੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਲੰਸਰ ਕੋ ਧੂਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਕੋ ਰੋਡ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰੂਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੁੰਗੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਛਪੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਇਹਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਏ ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਝਾਈ ਖੜਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਟੀ ਗਿੰਦ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਾਂ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਚਾਹਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਬੱਕਰਵਾਲ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਆ ਵੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਬੈਠੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਗਈ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਜਾ ਖਲੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਗੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਾ ਅੱਜ ਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਬਾਣੇ ਸੋ ਸਫ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਪਈ ਸੀ ਕੁੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਹੋ
फिलहाल तो जरा सी इतने रुके हैं ना, आगे शहर आ गया नहीं, उसे रश रुश भी जरा ज्यादा ने, माल गुजर नहीं अगना रश बिचो। अच्छा तो उतो आगे के पता सा पूरी रात ही सफर करना पै जावे। तो देखो भुख शुख लगी ते भुख शुख लगी ते घोड़ी जगह मतलब सोच ही घोड़ी तू बाद कुधर जाना मतलब घोड़ी तू बाद फिर जाना ने मकड़े चढ़ना ने मकड़े पहाड़ पर मकड़ा पहाड़ को दसने जी बहु उच्चा था बर्फ शर्फ भी लबसी असा की बिल्कुल मकड़े पहाड़ ते इस टाइम सही बर्फ है। अच्छा माशाल्लाह जी हुन शाम ना टाइम है ता कोई असाणिया के को पेट है थोड़ा जा बा कोई खराक शराक ता क्या के सारा सफर आले 2 घंटे से इथु लगसन मुजफ्फराबाद ता फिर अग्गे सा रातो रात क्रॉस करना मुजफ्फराबाद शहर की ता तको फिर आज रात ना सफर किया जा होना मुजफ्फराबाद थू 8 किलोमीटर असा दूर आ पैदल सफर सारा शुरू हो गया है जैसा कि आज सारी रात असें सफर मारना पे सी 10 ना टाइम है असा सफर शुरू किया ताकि रोडा ने पर बहुत ज्यादा रश होना है इस वजह तो ना असा इसलिए लेट अपना सफर जेड़ा वै ये शुरू किया वै तको फिर हूँ राती किस तरह फिर मुजफ्फराबाद ही असा क्रॉस कर रहे हैं आज नाइट व्यू तको फिर एदा जनाब बिस्किट हिंदे ने दुकाना पर 10:30 ना टाइम है ताकिया के सफर साड़ा कम से कम जड़ा वै ना 17-18 किलोमीटर है जड़ा सारी राती ने भी असा मारना है तो दिहाड़ी जड़ा मारिया वै वो भी 8-10 किलोमीटर मारिया असा आज सफर जारी है। गुल भाई को कितना सफर रही गया है चौवा घंटे ना जी तो मैं तो इतनी देर बेहोश हो जा जनाब गुल भाई आने मीरपुर तो आई गए तो अगर क्या उसी जनाब तकी दिनों कितने हार्ड वर्कर ने माशाल्लाह और कितनी जिंदगी नहीं आए मतलब सख्तियां मुश्किलातां और ये राती टुरना मतलब आराम ही नहीं ये सहने वास्ते रात बनती है दिहाड़ी भी चलो चल आखिरकार जनाबे वाला मारो पटोई असा की लभी गई जनाबे वाला तवील सफर तो बाद तकने उसो कि हूँ असा नेड़ा लगे हाँ थोड़े जे मुजफ्फराबाद ने ए तको जी मुजफ्फराबाद सिटी इस्लामाबाद मानसेरा नीलम आखिरकार सिटी ने कोल कुदरे लगी आए असा अली भाई आखिरकार पुजी आए हाले मुजफ्फराबाद शहर दाखिल होने लगे हुए जनाब ए दो मेल जगह वे ए तकने उसो उधर बड़ा पुल पे जान लगे इधर ये पुराना लोहे वाला पुल इस जगह के आने दो मेल इतना दरिया जेलम दरियाए नीलम आपस में मिलना है तकड़े उस जी सहेली सरकार ने दरबार ने असा बहरू भी इसलिए क्रॉस करन लगे हुए हैं इन्होंने नाल लो जी जनाब इस साइडा पर इसलिए नेरा तकने उसो के किला जनाब वाला रेड फोर्ट मुजफ्फराबाद रहा जरा असा इसलिए पे जनाबे वाला रात ने टाइम पे क्रॉस करन लगे हुए हैं ए वो किला वै जिसे ना पर मुजफ्फराबाद ना पिया वै मुजफ्फर आबाद देखो आखिरकार असा अपने ठीए पर पुजी आए हैं ठी आ क्या है रोडा ने नज़दीक एक पुल जहा जाना लोहे ना तो उसने नाल ही असा तकने सो अपने जड़े ना एदा बिस्तरे क्या सो नाम लाई केंद्र ने ए तकने सो ए साढ़े बिस्तरे जनाब वाला लगे हुए जनाबे वाला 3 बजे ना टाइम है तो कोई होश नहीं पैरों की जख्म हो गए टूरी टूरी काज आज 30-35 किलो जड़ा सफर है ना ये मारिया वै इतना औखा सफर कदे भी नहीं मैं किता जिंदगी नहीं किता 30-35 किलोमीटर सफर अज असा जड़ा ना गढ़ी दुपट्टा तो उस तो पिछू लिकने असा थोड़े जे गढ़ी दुपट्टा थू तो पूरी दिहाड़ सफर ने वे चल सो चल आखिरकार अच्छी क्या हूँ इतें एक जगह जो ही मुजफ्फराबाद की छोड़ो 2-3-4 किलोमीटर अगे छो एक लोहे ला पुल लछना वै उस पुला नाल ही है दरअसल जगह तक ही है तो बस बटिया ने अपर ही अपने बिस्तरे तकने उसो लाई किंदे ए तकने उसो बटिया ने अपर ही अपना पूरा जनाबे वाला जड़ा ना सेटअप लाई किंदा वै
हूँ लगा सैंड तो इंशाल्लाह इस वीडियो अगर सवेल तुम्हें दसा कि किस तरह का फिर सफर होना साड़ा। माशाल्लाह जी अगे दरियाए झेलम हूं दरियाए नीलम ने नालो नाल तकने उसो सा सफर जरा बड़िया पहाड़ा विच शुरू हो गया। अल्लाह पा खैर करन तको फिर अगो कुथू कुथा तक सफर होना अज है ना जनाब। जरा सामने पे पहाड़ तकन लगे वे ना ए सामने बर्फा ला ए मकड़ा पहाड़ है मकड़ा पहाड़ इसके आखने मकड़ा पीक भी इसी आखने ते इसने ऊपर जनाब वाला असा चढ़ना वे तको के केड़े केड़े पहाड़ा चू आई गया इन्हें बर्फा ने ऊपर असा चढ़ना वे बिल्कुल सामने तको जी हूँ बर्फा क्लीयर पहाड़ आई गए ना सामने तको हाँ कितनी ज्यादा बर्फ पे भी है पहाड़ा पर आले इन पहाड़ा बिच असा इंशाल्लाह एक दवा दिहाड़े अंदर बड़ी जा सा। इस जगह की आखने घोड़ी घोड़ी दुई ना समझा जड़ी वो चलाने ली है जड़ी माड़े को घोड़ी जगह ना नाम है ठीक है। इतू पहाड़ी साइड पर रही गई नीलम रोड असा हूं पे गए घोड़ी तू अगे जाना असा पटिका सवेला 7 बजे टूरे सा जनाब तो इसलिए अस पटिका पुजे हैं यार आने लगे त्रै चार घंटे सफर मारिया वै बहुत मुश्किल सफर है रात ना भी कुछ जगराता तो नींदर तो त्रुटे हाँ डाढ़ा मैं भी कह तो यही कह पैरें भी जख्म हो गए तो दर्द भी करने पैर ये दरिया नीलम तक एक साइड जाना इत थोड़ी जी असकी शाम लभी है ऐ तो असा समान अपने घोड़िया छोड़िया ना लाया वै इतें जी मैं बगरू साहब तक नहीं सो असा इसलिए पटिका के असा ना पुजे जगह ना वे एक सौ बगरू साहब इतू पटिका तू असा केड़ी साइड जाना वे बेड़ी बेड़ी तो आज रात कुधर उसी बेड़ी अगलिया दे अच क्या ने वही असा जड़ा वे बर्फा ने इलाके चो सा तो तू कितना टाइम लग कल ना तो परसों इंशाल्लाह बर्फ वाले इलाके में पहुंच जा तको जी माशाल्लाह आज असा इसलिए पटिका वा रोटी रोटी खाधी है हूं इंशाला अपर पहाड़ा तरफ सफर आज कर सा माशाला जी इतनी जलेबी जरा चेक करो हाँ गर्मा गर्म ताजा ताजा फ्रेश जलेबी इत बजारा इतना भाई कोई चादर शादर गर्म इंसान दसिया सर्दी काफी ज्यादा लेकिन कोई चादर नहीं लभी उस तरह नहीं जिस तरह नहीं मिकी चाहिए नहीं है यानी कि सही सोहनी गर्म चादर है जी अपर बर्फन लाके प्रोटेक्ट भी करे तो हूं तको फिर चादर तो बगैर ही अपर जाना पे सी वैसे मैं मुजफ्फराबाद जाना थी और भी चीजा चाहिए सर मिगी दो त्रै क्या कि अगले दिहाड़े जिन पहाड़ा में असा उठा ना तो फिर जाइए पता नहीं कितने दिहाड़िया तो बाद असा अगर दुए मतलब मेन रोडा ने भर ले सा तो हूं तको फिर सारी सर्दी बर्दाश्त करने हूं क्या हो सकना। माशाल्लाह तको कितना खूबसूरत इलाका जनाब पटिका आखिरकार जनाब वाला इतों असा लिखड़ी क्या तो हूं अपनी साइड पर जा रहे हैं पता जनाबे वाला साड़ियाँ पड्डो भी चुगन लगी तकड़े उसो एक जगह गुल भाई आज कितना सफर मरवासो आज 15 किलोमीटर सफर कर सानी अल्लाह ने वो बंदे हो तो क्या मारू हो मिकी क्या चाहे हो मैं नसी जा मजबूत है जितना सफर कर सकता हूं ए सुने जनाब आने के क्या सा ना 15 किलोमीटर और तो मजबूत हो जासो इतना मैं मजबूत हो चुकी हूं ना
कि माड़े ख्याल है जून में पूरा पाकिस्तान भी पैदल फिरी जाए मिकी कैसा नाम है टेंशन नहीं होने ली आस्ता आस्ता सफर जेडे इन्हें पहाड़ा ली साइड अपली साइड है अगे तकने उस बर्फा ले पहाड़ भी आई जासन हूँ तकने अज है ब्लॉग चाहिए लैने सफर असा पहाड़ा ली साइड है तो मंडल ग्रां च पुजे वा तो जू ही पुजे तो काफ़ी नौजवान जनाब क्रिकेट खेडी रहे ते सारे बड़े माशाला फैन हैं माड़े तो बड़ी खुशी हुई है माशाला जिस तरह के मैं दसिया इतने मैं आया जनाब तो बहुत सारे फैन रोड पर मिले फिर जनाब तकने उस क्या नाम काशिफ अब्बासी काशिफ अब्बासी साहब तो जनाब किस तरह पछाने है या किस तरह जरा थोड़ा जा सर असी रोज तुसी वीडियो देखते हैं यूट्यूब ता अच्छा इस करके संदेशों को पहचान लिया तो इस एरिया ने क्या नाम जिथे इस एरिया का नाम मंडल गांव मंडल तहसील पटेका जिला मुजफ्फराबाद गांव मंडल माशाल्लाह इन्हें बहुत खिदमत की है पहले जनाब वाला इन्हें फ्रेश अंबे ने जूस पिलाया हुआ है तो असें थोड़ा जहा सुकून आया क्योंकि बहुत सफर मारे असा तो खलते कौन फिर इन्हें सोहने देसी दुद्ध ने चाह केक यानी कि अपनी तरफ बहुत खिदमत की ने हूने आने रवो भी लेकिन मैं तुझे पता कि सफर अगे करना तो इतने एक निकी सी माड़ी बड़ी फैन केड़ी सी जी हाँ जी समझ आसिफ अब्बासी हाँ आप कौन सा मेरा कोई एक चीज बताए जो आपको याद हो जो मैं बोलता हूँ आप बोलते कश्मीर टीवी हाँ ऐसा कोई कश्मीर टीवी इसकी निकी की याद है माशाल्लाह बड़ा चंगा लगा इतना अच्छी क्या तो क्या नाथ सुना आसिफ अब्बासी आसिफ अब्बासी माशाल्लाह जी ये प्यार मोहब्बत सदा याद रही मैं हमेशा आना होना कि कश्मीरी बड़े मेहमान नवाज हैं उसने एक झलक तुस खुद तकी सकने हो कि इन्हें थोड़े टाइम माड़ी ज्यादा मेहमान नवाजी की है मैं इन्होंने प्यार मोहब्बत की सदा याद रखसा तो चलो शाम पेने लिए असा अपना सफर जारी रखना तको जी माशाल्लाह नीलम दरिया हूँ रही गया थले तो असा पहाड़ा की चढ़ने चढ़ने शाम ना टाइम है अपर जान लगे हुए स्टिल कोई पता नहीं कितनी देर सफर और हाले माशाल्लाह जारी रेसी साड़ा सामने पहाड़ तकने उस बर्फ वाला इस पहाड़े असा क्रॉस करना लेकिन अज नहीं आज शाम पे गई है पहले तको कि कितना ज्यादा सफर मारिया वो थले तको जा बर्फा ना पानी जाई रहा है ये सारे पहाड़ असा अज कट्टी का आए माशाल्लाह ना तको जी बोर्ड भी लगे है कि इधर चीता जनाबे वाला क्लियर पाया जाना जी जनाबे वाला मसे पुजे हाँ बॉडी ने मुकम्मल स्ट्रेंथ चढ़ी है ना टूरी टूरी के खत्म हो गई है कि कोई मजीद अल्फाज बोली सका है तो इकट्ठे को जगह लभी है पहले जगह ही नहीं सी लभनी इतने अपना डेरा लान लिया रात इतने कट सा फिर अपर जे अपर बर्फा ले पहाड़ हैं उन्होंने सैड चढ़ सा लेकिन इंशाल्लाह नैक्सट विलॉग बाकी तुझे दस सा यह विलॉग काफ़ी लंबा हो गया से फिर अल्लाह सोने वाले मैं अपनी दुआ याद रखी है तो बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी।